बांसुरी में फूक की आवाज आती हो, स्वर साफ नहीं निकलते हो, स्वर में मिठास ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हर गुरुजी आपको यही कहेंगे, बेटा लॉन्ग नोट्स किया कि नहीं किया, लॉन्ग नोट्स किया करो। लेकिन कौन करे, आलस बहुत आता है, एक स्वर को लंबा लंबा खींचना पड़ता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है। लेकिन मेरे साथ बोर नहीं होगे भैया, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, मैं हूं ना, किस लिए हूं मैं, यही तो काम है मेरा, आपको घर बैठे बैठे संगीत का रियाज कराना, संगीत की साधना करवाना। 45 डेज का चैलेंज, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपना नाम और अटेंडेंस, 45 डेज रोज यहाँ पे आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ भी सीख रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उस प्रैक्टिस के पहले ये ऐड कर देंगे आप, ओके। मेरे पास ई बेस की फ्लूट है, आपके पास कोई भी स्किल की बांसुरी हो, आप सेल्फ तो रियाज कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ बैठ के करेंगे तो ई स्किल चाहिए होगा, ताकि साउंड मैच करेगा ना, ठीक है। चलो शुरू करें। अगर बीच में पानी पीना है तो पहले पी लो जाके, बीच में उठने नहीं दूंगा मैं। हाँ, थोड़ा सा ईमानदारी के साथ करो भैया। हाँ, सीधे बैठो, कंधे रिलैक्स, बांसुरी पकड़ो। तो अभी हम नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, सा लगाएंगे, इनहेल, सांस लो, जितना हो सके अपने उस जो सांस आपकी बांसुरी पे जा रही है फूंका, उसको कंट्रोल करो, आपके वश में आनी चाहिए वो। इनहेल, जो वेव्स बनती है वो वेव्स नहीं बननी चाहिए, धीरे धीरे कम होगी, एक बार में नहीं होगी, पर आपको अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। इनहेल, एक जैसी आवाज ही आनी चाहिए, वही कोशिश करनी है। हाँ, जैसे मैं कर रहा हूं ना, मेरे साथ करते रहो चुपचाप, अपना दिमाग नहीं लगाना, ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी होता है ताकि माइंड रिलैक्स हो जाए, नेक्स्ट टाइम जब बजाओ तो वो फोकस कर पाए, लगातार बजाओगे तो वो पजल हो जाएगा, सही और गलत का फैसला नहीं ले पाएगा, इसलिए ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स ट्राई कि आपके अंदर कितना कैपेसिटी है। हाँ, गहरी सांस भरो,
वेरी गुड। मैं फिलहाल कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, आपको प्लीज़ ज़मीन में बैठना है। अगर आप वृद्ध हैं, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो आप कुर्सी पे बैठें, लेकिन बाकी स्टूडेंट ज़मीन पे बैठ के ही करें। मैं कभी और सेटअप लगाऊंगा, आराम से ज़मीन पे बैठूंगा, हाँ तब और प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन अभी आप समझ गए ना। गहरी सांस ले, आखिरी बार हाँ सांस भरो, अब हम प पे आ जाएंगे, ओके मंत्र प, नॉट मध्य प, दो प होता है ना, तो ये जो मोटी आवाज आ रही है, लोअर आवाज, वो प मंत्र प कहते हैं, ओके सेम स्टाइल से सांस भरो। आप जब गहरी सांस भरते हो तो जब पहली बार उसको छोड़ोगे तो एकदम से प्रेशर से वो निकलेगी बाहर, पर वही तो कंट्रोल करना है ना। स्माइल, इनहेल, लॉन्ग नोट्स प्रैक्टिस करते करते, किसी को बोलना मत सुनो ध्यान से, लॉन्ग नोट्स प्रैक्टिस करते करते, ये सीक्रेट है आपके और मेरे बीच में, हाँ स्माइल करने का आदत डाल लो। अगर आपने इस 20 मिनट की प्रैक्टिस के दौरान 10-15 बार भी स्माइल कर दिया ना कुछ दिनों तक कंसिस्टेंसी के साथ, तो देखो कि जीवन में कितना बढ़िया हो जाएगा जीवन स्माइलिंग। इनहेल,
एक और बार, शांत स्थिर सरल सफाई के साथ स्वर बजना चाहिए, एकदम स्थिर। Now sha, sa from pa, inhale, ऐसे नहीं, ये फिंग ऐसे, इस मीन जो होती है वो ऐसे आती है, हाँ। एक कव बनना चाहिए, प सा ओ, जब आपके मूलाधारा से शुरू करते हो, वेग निकलता है अंदर, शक्ति निकलती है, तो आपका ओम के उच्चारण से पूरे शरीर की सफाई होती है, यहाँ तक आता है फिर बाहर निकलता है। हाँ, तो वो सफाई कर रहा है, वो सरस्वती प्रकट हो रही है अंदर से, भैया आहा क्या क्या अनुभव होते हैं, तुम भी करोगे, आशीर्वाद है। अब सारे गम पद है निशा, स्थिरता के साथ, शांति के साथ, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ, कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो लाइफ में, मुस्कुराओ, झूठा मोटा मुस्कुराओ, झूठा मोटा मुस्कुराओ, चिंता नहीं करो, झूठा मोटा मुस्कुराओ, तुम्हारे झूठा मोटा मुस्कुराने से देखना धीरे धीरे जिंदगी में लाइफ की प्रॉब्लम गायब हो जाएगी, दुनिया ऐसे ही काम करती है ये। इनहेल, सा एंड रे, इनहेल, और आप स्वर को ऐसे खोलेंगे, हल्का सा टेढ़ा खोलेंगे, सीधा नहीं खोलेंगे, तो उससे एक मींड का इफेक्ट निकलेगा, और सा और रे के बीच में जो श्रुति का अंतर है, जो माइनर टोन्स है, वो आपके कानों में जाएंगी, हाँ, जो बहुत जरूरी है भारतीय शास्त्रीय संगीत में। फूक का आवाज नहीं आना चाहिए, जितना हो सके कंट्रोल करो। रे एंड ग,
जब मेरा पहला फूक आती है इस पे पड़ती है तो बहुत सॉफ्ट बजता है वो, उसको भी ऑब्जर्व करो, आपका भी बजना चाहिए। नाउ सारे ग, इनहेल, इनहेल, अब ग और म, म को कितना खोलना है वो बहुत जबरदस्त बात है। तो ज्यादा खोल दोगे तो आवाज बिगड़ जाएगी, कम खोलोगे तो खराब हो जाएगी। अब आपको जज करना है खुद को, वो सुन के क्या अच्छा लग रहा है। एग्जाम्पल के लिए बिगड़ा ना, बहुत धीरे धीरे। मग, इनहेल, सारे गमा, सारे गमा प, प में एक फिंगर उठा रखा है मैंने। इसका फायदा आपको बाद में होगा, आप जब देखो अगर हम ऐसे प बजाएंगे तो ऐसे तो मंद्र प भी बजता है, लेकिन ऐसे मंद्र प नहीं बजता, ऐसे केवल मध्य प बजता है और तौर प बजता है। हाँ, फिर आगे कुछ टेक्निक्स आती है जिसमें ये प काम आता है, तो इस प का भी तैयारी होना चाहिए ऐसे खोल के। कई बांसुरियों में ऐसे पक करने से खुला पा बजता है, उसकी सही श्रुति निकलती है, ऐसे करने से थोड़ा सा नीचे हो जाता है वो। हाँ, बहुत सारे पॉइंट्स है, मकसद क्या है, सही स्वर निकलना चाहिए। एक ही सांस में, बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड।
अच्छा, अगर मेरी किताब अभी तक नहीं पढ़ी संगीतमय चिन्मय इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, अवेलेबल ऑन बोथ लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड हिंदी, ज़रूर पढ़े, अमेजॉन पे अवेलेबल है। एकेडमी से फ़ोन कर के भी आप मंगवा सकते हैं, तो आपको शायद से अमेजॉन से कम चार्ज में मिल जाएगा विद पोस्ट। हाँ, नंबर नीचे दिया हुआ है, बहुत सारी जानकारी है, प्लीज़ इस किताब को प्रमोट करें, बहुत सालों की मेहनत है मेरी और आप लोगों के लिए ही लिखी है। हाँ, अभी बारिश भी आ रही है, हो सकता है कि टेक्निकल दिक्कत की वजह से मेरा वीडियो ऑफ हो जाए और मुझे यही क्लास को बंद करना पड़े। जब तक चल रही है क्लास चलने देते हैं। तक हाँ, अब ग मा प ध नि, जब हायर स्वर आएंगे तो कंट्रोल करना, ऑलरेडी उनका आवाज बहुत लाउड आता है। फिंगर्स पूरी खोला करो, पधनी सॉरी तानपुरा चेंज हो गया था। मापधनी गमा पधनी रेगमा पधनी सारे गमा पधनी सा कमॉन, एक सांस में इनहेल करो, वेरी गुड, साप पे जाके रुकेंगे। हाँ, सारेगमा पधनिशा में सांस भरो,
सा एंड टॉप सा। कमान अवरोह वन मोर टाइम। एकदम से ताशा बज रहा है तो एकदम क्लीन बजना चाहिए, ऐसा नहीं कि फुसफुस अजीब सी आवाज आ रही। कमान उसको सही करो, ऊपर की तरफ फूंक मारो। ठीक है, अभी मेरे मोबाइल में कुछ टेक्निकल अलर्ट दिख रहा है, कब से दिख रहा है वो, मुझे यही डर था कि बंद ना हो जाए। इसको पूरे निश्चय के साथ, संकल्प शक्ति के साथ मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ ना, यहाँ बैठे बैठे हो जाएगा, चिंता मत करो। 45 डेज का टारगेट, एक दिन भी छूट गया तो अगले दिन दो बार करना पड़ेगा और अटेंडेंस बॉक्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप अच्छे से बांसुरी बजाना सीखो, जीवन में खुश रहो, यही मेरी प्रार्थना है। मेरी किताब जरूर प्रचार करें, प्लीज खरीदें, अमेज़न पे आपके रिव्यूज दें, आपका आशीर्वाद दें। आप मेरे को आशीर्वाद दो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, दोनों के अंदर भगवान बैठे हैं ना। मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद और जय भारत।